अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक। माय नेम इज़ एजाज अहमद। आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रिक। गाइज़, बहुत लोग मैसेज करते हैं एजाज भाई अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो क्यों नहीं अपलोड करते हो। दोस्तों थोड़ा घर का काम था ना, मैंने नहीं किया लेकिन मजदूरों ने काम किया था, लेकिन मैं इसके साथ था, इस वजह से मैंने कोई अपना यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं किया। इंशाल्लाह आज के बाद मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डेली वीडियो अपलोड करूँगा। आज भी मेरा दिल नहीं करता था, मतलब मैं अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनाऊँ, लेकिन मेरा पर्सनल जो आईडी है अदनान अली, अगर कोई ये आईडी जानते हैं अदनान अली, तो अचानक योर अकाउंट हैज़ बीन लॉक हो गया। तो मैंने बोला चलो मैं ये आईडी मतलब ओपन करूँगा और आप लोगों को मैं ये तरीका बताऊँगा। अगर आप लोगों का फेसबुक आईडी योर अकाउंट हैज़ बीन लॉक में फंसा हुआ है, अपने फेसबुक आईडी योर अकाउंट हैज़ बीन लॉक से कैसे अनलॉक करें। दोस्तों ऑन वीडियो में जो ये वाला आईडी है ऑन करता हूँ। दोस्तों अगर आप लोगों का फेसबुक आईडी योर अकाउंट हैज़ बीन लॉक में फंसा हुआ है, इस वीडियो में आपको मुकम्मल तरीका बताता हूँ, मतलब अपने फेसबुक आईडी को कैसे अनलॉक करें। दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखिए, जो ट्रिक मैं आपको बताता हूँ वो फॉलो कर दी जाना, ताकि ये मेथड आपको सही तरीके से समझ आ जाए। दोस्तों अगर आप टॉप ट्रिक चैनल पर न्यू मेहमान हो, अगर आपने अभी तक टॉप ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, टॉप ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में वाला आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हमारा हर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुँच सके। चलो दोस्तों चलते हैं बिना टाइम वेस्ट अपनी ट्रिक की तरफ। गाइस, सबसे पहले अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र या ऑफिशियल फेसबुक या लाइट फेसबुक ओपन करिए, या कोई भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हो, आप लोगों की मर्ज़ी है। अच्छा दोस्तों, मैंने क्रोम ब्राउज़र में ऑलरेडी अपने फेसबुक आईडी लॉगिन रखे। अगर आप लोगों ने अगर आप अपने फेसबुक आईडी क्रोम ब्राउज़र में लॉगिन वगैरह कोई ब्राउज़र में लॉगिन करते हो, तो यहाँ पर सर्च में एंटर करने m.facebook.com एंटर करने के बाद गो पे क्लिक करें, आप लोगों के पास मतलब फेसबुक लॉगिन पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर मेरे पास नहीं ओपन हो, क्योंकि मैंने एक बार अपने फेसबुक आईडी को ओपन किया है, तो गायब हो गया। अच्छा चलो सॉरी यार, मैं दोबारा यहाँ पर एंट्री करता हूँ m.facebook.com गो। अच्छा दोस्तों, आप चेक करें, मैंने ऑलरेडी अपने फेसबुक आईडी लॉगिन रखा है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर कोई चैनल मैंने नहीं करना, यहाँ पर है गेट स्टार्टेड, गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर बस नेक्स्ट पे क्लिक करें। अच्छा पहले दोस्तों मेरे पास ये ऑप्शन शो था, मतलब आइडेंटिफाई नेम मतलब फेसबुक, तो मेरे पास जो मतलब फ्रेंड का पिक्चर आती है, मुझे पता नहीं था एक किस का पिक है, और मतलब जो मेरा फेसबुक आईडी है अदनान अली, इसमें बहुत ज़्यादा मेरे पास लोग फ्रेंड हैं और मुझे पता नहीं है मतलब ये किस का पिक है। फिर मैंने फेसबुक वालों को ईमेल किया और मतलब फेसबुक वालों ने मुझे दूसरा ऑप्शन शो किया, मतलब एंटर योर डेट ऑफ बर्थ। अच्छा दोस्तों, ये वाला ऑप्शन मैंने कैसे शो किया, मैं आपको तरीका बताऊँगा, बताता हूँ। वेट, मैंने न्यू टाइप ओपन किया। तो ये मैं कॉपी करता हूँ। अच्छा अच्छा दोस्तों, मैंने ये डेट ऑफ बर्थ ऑप्शन अपने फेसबुक आईडी में कैसे शो किया, तो मैं आपको तरीका बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों अपने मोबाइल में दूसरा वीपीएन कोई भी मतलब क्रोम ब्राउज़र को ओपन नहीं करने, दूसरा ब्राउज़र ओपन करें, आप लोगों की मर्ज़ी है कोई भी आप यूज़ करते हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मैं एक दूसरा ब्राउज़र ओपन करता हूँ। चलो पफिन ब्राउज़र भी ओपन नहीं करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास एक ब्राउज़र तो पता नहीं कहाँ है, ये वाला। अच्छा ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च करें रिपोर्ट लॉगिन इशू, ठीक है गो। और दोस्तों फर्स्ट नंबर लिंक पे क्लिक करें। दोस्तों आप चेक कर रिपोर्ट आ लॉगिन इशू पेज ओपन हो गया। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर अपने फेसबुक आईडी का नेम एंटर सॉरी ईमेल एंटर करें, ठीक है। ईमेल एंटर कर, कोई भी आपका फेसबुक आईडी का ईमेल हो। चलो दोस्तों मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ 01। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऑफ द इशू दोस्तों यहाँ पर लिखे हेलो फेसबुक टीम सर, दिस इज़ माय पर्सनल अकाउंट वाज टेम्परेली लॉक। तो यहाँ पर इस तरह अपील है, अगर किसको मतलब इंग्लिश लेकिन आती है तो यहाँ पर अच्छे से अपील है, अगर नहीं आती तो यार डिस्क्रिप्शन में एक अपील दे दूँगा, मतलब यहाँ पर एंटर करें, ठीक है। और स्क्रीन शॉट दोस्तों आप लोगों को फेसबुक आई डी में मतलब यहाँ से स्क्रीन शॉट लेने हैं। वेट, अच्छा बैक। अच्छा दोस्तों यहाँ से एक स्क्रीन शॉट लेना, मतलब जिस
ये ज़्यादा सी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें और दोस्तों यहाँ पर सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर सेलेक्ट कर, सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों सेंड पर क्लिक करें। अच्छा दोस्तों मैंने ऑलरेडी एक बार सेंड किया, मैं दोबारा सेंड नहीं करता हूँ, सिर्फ मैं आपको तरीका बताऊँ। अगर आप लोगों का फेसबुक आईडी में डेट ओवर ऑप्शन शो नहीं है या आईडी कार्ड ऑप्शन शो नहीं, कोई भी मतलब ऑप्शन, मतलब आपके पास डेट ओवर है और आपके फेसबुक आईडी में डेट ओवर ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, दोस्तों आप फेसबुक टीम को बताएं, मतलब मेरे पास डेट ओवर है अपने पर्सनल डेट ओवर अपने फेसबुक आईडी का और मतलब मेरे पास ऑप्शन शो नहीं है, तो मतलब यहाँ पर अपील में एंटर करना है, ठीक है। अगर आईडी कार्ड है और मतलब आईडी कार्ड ऑप्शन आप लोगों के पास शो नहीं हो रहा है, दूसरे यहाँ पर मतलब लेकिन मतलब सर मेरे पास आईडी कार्ड है लेकिन आईडी कार्ड ऑप्शन शो नहीं हो रहा, प्लीज़ आईडी कार्ड ऑप्शन मुझे दे दो, मैं आपको आईडी कार्ड सेंड करूँगा, ठीक है। दूसरे इस तरह अपील एंटर करें। अच्छा दोस्तों मैंने अपील एंटर किया और फिर मैंने सेंड किया, तो दूसरे यहाँ पर मेरे पास जो ऑप्शन है शो हो गया, मतलब डेट ऑफ बर्थ। अच्छा दोस्तों यहाँ पर पहले मेरे पास आइडेंटिटी ऑप्शन था लेकिन वो मतलब लॉक हो गया, अभी मेरे पास दूसरा ऑप्शन शो हो गया एंटर योर डेट ऑफ बर्थ, जो मैंने आपको तरीका बताया मतलब अगर आप लोगों का फेसबुक आईडी में मतलब ये ऑप्शन नहीं है तो कैसे शो करें, तो ये करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद यो दोस्तों यहाँ पर अपने फेसबुक आईडी का रियल डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है, ठीक है। ऐसे नहीं मतलब कोई फेक डेट ऑफ बर्थ अगर आप एंटर करते हो फिर आप लोगों का फेसबुक आईडी ओपन नहीं होगा, ठीक है। चलो दोस्तों यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ। डेट ऑफ बर्थ एंट्री करने के बाद दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक करें, ठीक है। चलो दोस्तों मैं क्लिक करता हूँ। अच्छा दोस्तों आप चेक करें अकाउंट कन्फर्म, तो दोस्तों करने के बाद दोबारा नेक्स्ट पे क्लिक करें। दोस्तों करने के बाद दोबारा नेक्स्ट पे क्लिक करें। एंटर न्यू पासवर्ड, तो चलो मैं यहाँ पर एक न्यू पासवर्ड एंट्री करता हूँ। पासवर्ड एंटर करने के बाद कंफर्म, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक करें। दोस्तों आप चेक करें मतलब अकाउंट बैक हो गया, तो दूसरे यहाँ पर मतलब अकाउंट तो रिव्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करें और कंटिन्यू पे क्लिक करें, तो कंटिन्यू करें। दूसरे यहाँ पर सबसे पहले अपनी आईडी का ओल्ड पासवर्ड एंटर करें, ठीक है। चलो उसमें एंटर करता हूँ, मतलब आपने जो मैंने अभी लगा लिया, और दूसरे यहाँ पर न्यू पासवर्ड एंटर करना है, ठीक है। तो चलो उसमें एंटर करता हूँ एक पासवर्ड। पासवर्ड एंटर करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करें। दोस्तों यहाँ पर मतलब मेरे फेसबुक आईडी में दो ही मेल मतलब जो पता नहीं है, लेकिन चलो यहाँ पर मैं ये वाला तो दोनों कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। दोनों ये कंटिन्यू करता हूँ और ये रिन्यू करता हूँ, ठीक है। दूसरे करने के बाद स्क्रॉल डाउन करें और कंटिन्यू करें, दोबारा कंटिन्यू करें, कंटिन्यू कमेंट कंटिन्यू, गो टू न्यू फीड पे क्लिक करें, ठीक है। तो दोस्तों आप जी कर मेरा फेसबुक आईडी ओपन हो गया। दोस्तों इस तरीके से आप अपने फेसबुक आईडी को योर अकाउंट हैज़ बीन लॉक से रिकवर करें, ठीक है। दोस्तों अगर आप लोगों का फेसबुक आईडी ओपन नहीं हो रहा है दोस्तों, ऐसे काम करें, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इंस्टाग्राम पर आ जाए, मैं आप लोगों का फेसबुक आईडी फ्री में ओपन करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, तो वेट मैं आपको बताऊँ, मतलब एजाज अहमद स्लैश अहमद 20। तो ये दोस्तों ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, कोई भी फेसबुक के रिलेटेड या इंटरनेट के रिलेटेड आप लोगों के पास इश्यू है तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, मैं आप लोगों के साथ इजीली हेल्प करूँगा, ठीक है। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और दोस्तों इस वीडियो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।